हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग IFT 2019 के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 टू 16 सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन का काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और उम्मीद है आप लोगों का IFT भी अच्छा जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि एक PDF है जिसमें हम लोगों ने CAT, ZAT, IFT, CMAT, IPMAT के प्रीवियस ईयर पूरे सॉल्यूशंस की लिंक डाली हुई हैं, है ना। तो आप PDF डाउनलोड कर लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दी हुई है, या वो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका नाम है CAT IPMAT, है ना। तो ये आप डाउनलोड करके यहाँ से पूरे के पूरी लिंक्स एक बार में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसमें वीडियो का नेम देन उसकी ड्यूरेशन भी दी हुई, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, तो आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक आपने IFT 300 परचेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि CAT और ZAT 300 का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक था। उम्मीद है कि IFT का भी रहेगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आज IFT 2019 के सॉल्यूशन देख लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। 14th क्वेश्चन, नवाब हैज टू सन्स सैफ एंड आमिर हु हैव एक्सपोर्ट बिजनेसेस, ठीक है। नवाब सेटिस्फैक्शन लेवल इज गिवन बाय एडिंग ट्वाइस द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ सैफ, इन्हें ट्वाइस 2s कर दो, विद द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ आमिर प्लस ए कर दो। ये नवाब का सेटिस्फैक्शन लेवल हो गया। अब लिखा हुआ है सैफ मैक्स प्रॉफिट ऑफ 100, हिज सेटिस्फैक्शन लेवल गोज अप बाय 10%, और अगर लॉस होता है इसको 100 का, देन सेटिस्फैक्शन लेवल गोज डाउन बाय 10%। इफ आमिर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 100 rupees, हिज सेटिस्फैक्शन लेवल गोज बाय 5%, एंड इफ ही सफर्स अ लॉस ऑफ 100 rupees, हिज सेटिस्फैक्शन लेवल गोज डाउन बाय 15%, ठीक है। करेंटली नवाब सेटिस्फैक्शन लेवल इज 24 एंड द सेटिस्फैक्शन लेवल सेफ इज द सेम एज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ आमिर, ठीक है। सेटिस्फैक्शन लेवल सेफ और आमिर का भी सेम है, और नवाब का कितना है 24, ने सेम है अगर, तो 24 इज इक्वल टू, अगर दोनों का x मान लो तो 2x प्लस x मीन्स 3x इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 8। मतलब अभी सैफ का भी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है 8, और आमिर का भी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है 8। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ, एक बात और, आप में से कई लोग क्या कर रहे हो, यानी चैनल के वीडियोस अच्छे से देख ले हो तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो देखो, अगर चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो जैसे बाकी चैनल ब्रांड बने हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल को भी ब्रांड बनाओ, है ना। सिर्फ वीडियोस देखने से, सीखने से, खुश होने से कुछ नहीं होगा, है ना, मुझे भी खुश करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। करेंटली नवाब सेटिस्फैक्शन लेवल इज 24, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ सेफ सेम है, ठीक है। इफ द सेफ मेक्स प्रॉफिट 100 rupees, अच्छा सेफ को 100 का प्रॉफिट हुआ, यानी इसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, 10% से इंक्रीज हो जाएगा, यानी इंटू 1.1 कर दो। अब इसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, 8.8। आगे आमिर को लॉस हुआ 100 का, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल इसका 15% से कम हो जाएगा, यानी 0.85 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सिक्स पॉइंट एट हो गया, ठीक है। अब नवाब का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, इसमें इंटू 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 17.6 प्लस, इसमें तो 6.8 ही रहेगा, तो नवाब का सेटिस्फैक्शन लेवल अब क्या हो जाएगा, 24.4। पहले कितना था 24, अब कितना है 24.4, यानी 0.4 से इंक्रीज हो गया। परसेंटेज इंक्रीज के लिए डिवाइडेड बाय 24 कर दूँ, कितना आ जाएगा, 1/60। 1/6 पता होना चाहिए हमें, 16.66 होता है ना, तो 1/60 क्या हो जाएगा, 1.66, है ना, 1.66 ऑप्शन डी, इजी था। इसी तरीके से अगर हमारे सॉल्यूशंस देखोगे तो काफ़ी इजी तरीके से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को समझा देते हैं, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट ईयर जो भी लोग कैट की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स परचेस कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। 15th, 400 स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2018-19 MBA बैच, 200 ऑफ देम डिडंट चूज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स
तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चूज नहीं कर रहे हैं, ये इसे कितने 200। फिर एक और दिया हुआ है इन्होंने इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ये कितने लोग चूज नहीं कर रहे हैं 100। 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये दोनों ही चूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 80 लिखोगे, 200 माइनस 80 120 आ गया, 100 माइनस 80 20 इधर, इन्हें ये टोटल कितना हो गया 200 प्लस 20 220, ये पूरा टोटल हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स तो थे 400 और ये कितना है 220, मतलब 180 अभी भी बचा है ना, 400 माइनस क्या कर दो 220 कितना आ जाएगा 180, मतलब ये दोनों चूज कर रहे होंगे और यही पूछा भी होगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बोथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन ए 180। सिंपल था ये तो काफी, ठीक है। देखो जबरन का घुमाया, नॉर्मली जो होता है उसमें सेट थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, इसमें नहीं नहीं वाले पे दे दिए, तो भी हमें वैसे ही डायग्राम बनाना है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। देखो अगला क्लॉक का क्वेश्चन है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी विद इन अ मिनट वाला है, ठीक है, तो सॉल्व कर लो। फॉर्मूला उम्मीद है पता होगा, नहीं पता तो लिख लो, थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड, तो 30 इंटू एच माइनस 11 बाय 2 इंटू एम, एम मीन्स मिनट, मॉड का साइन है क्योंकि दो एंगल्स होते हैं, एक बार प्लस का साइन लेना एक बार माइनस का, तो 2 टू 3 है, अपोजिट है मतलब एंगल दे दिया 180 डिग्री है ना, तो प्लस माइनस ले लो 180 इज इक्वल टू 30 इंटू एच, 30 इंटू 2 क्योंकि 2 टू 3 के बीच में बात हो रही, माइनस 11 बाय 2 एम। अब एक बार प्लस 180 लेता हूँ ना, तो 11 बाय 2 इंटू एम क्या हो जाएगा 60, प्लस माइनस 180 लिख लो, ठीक है। दो एंगल आते हैं हमेशा, ऑप्शन में आपको एक ही दिया रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इनकेस अगर आपने एक ही साइन लगाया और वो ऑप्शन में नहीं मिला, तो आप ये मत समझना कि आपका गलत हो गया, दूसरे साइन से आप एंगल निकाल लेना या 360 में से माइनस कर देना। तो 11 बाय 2 एम क्या हो जाएगा, एक बार में प्लस का साइन ले लूँ तो 240, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 240 इंटू 2 480 बाय 11, माइनस लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इनकेस फिर भी होता तो 120 आता है ना, तो 120 आता तो मॉड के उसमें उसको इग्नोर कर, उसे 120 लिख दो इंटू 2 बाय 11, तो कितना आ जाता 240 बाय 11। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम लोग अगले वीडियोस बनाने के लिए भी मोटिवेटेड रहे, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, और कोर्स परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।